मेरा करियर स्टार्ट एज अ सिंगर ही हुआ था। अगर आप अच्छा। मुझे गूगल करें तो मेरा जो लेबल लगता है मेरे नाम के साथ वो सिंगर ही लगता है। सिंगर टर्न ब्यूटी क्वीन। इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे। DNR की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, चैनल DNR डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट जोया अली। आज हम पाकिस्तान की ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपना एक डिफरेंट नाम बनाया। आपने मिस वर्ल्ड, मिस पाकिस्तान, मिस इंडिया तो सुना होगा, लेकिन ये टाइटल आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे, मिस ट्रांस पाकिस्तान। ये टाइटल पाकिस्तान में पहली दफ़ा मिस शायरा रॉय को मिला। आइए चलते हैं मिस शायरा रॉय के पास और उनसे पूछते हैं कि आपने ये मकाम हासिल करने के लिए कितनी स्ट्रगल की और आपको कितना टाइम लगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको इस मकाम तक आने में कितनी स्ट्रगल लगी है, मतलब कितना टाइम आपको इस जगह तक आते हुए लगा। मुझे 2 साल लग गए इस टाइटल को हासिल करते हुए। फर्स्टली 2020 में मैंने अप्लाई किया था मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के लिए, अनफॉर्चुनेटली मैं तब नहीं बन पाई थी। लेकिन जब 2021 में मैंने रीअप्लाई किया तो इस कॉम्पिटिशन में मेरे साथ 10 और लड़कियां भी थी जो कि पाकिस्तान से भी थी और पाकिस्तान से बाहर से भी थी। सो अपेरेंटली व्हेन आई गॉट इन टच विद सोनिया अहमद, शी वाज द राइट पर्सन फॉर द एंटायर जर्नी, प्रॉपर मेंटोर, प्रॉपर गाइड, जिन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, सिखाया और बताया कैसे होता है, क्योंकि पाकिस्तान में यू नो इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है ब्यूटी पेजेंट्स की। बिल्कुल। और आप जब ब्यूटी क्वीन बन जाते हो, आप अपने मुल्क का नाम बना लेते हो, तो वो अभी मेरी सांस से आपको पता चला होगा कि मैं अभी भी उस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रही। इट इज़ समथिंग विच इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपेरेंटली। और साथ ही साथ आपको पता चल जाता है कि आपका मुकाम और आपकी यू नो वैल्यू कितनी है, आप अपने मुल्क के साथ अटैच हो जाते हो। सो ऑन दैट नोट आई बिलीव जो ये मेरी मेहनत थी, जो वक्त था वो बहुत ज़्यादा तो था ही था, लेकिन साथ ही साथ अभी 2021 मेरे लिए यू नो एक पजेराई का टाइम बना। सो दैट्स हाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। और मैम, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि जो पहले की लाइफ थी और जो अब की लाइफ है, उसमें क्या डिफरेंस आप फील करती हैं? वेल, पहले की लाइफ और अब की लाइफ में ये फ़र्क है कि पहले उतनी अटेंशन नहीं थी। मैं आपसे झूठ की बोलूँ, अटेंशन नहीं थी, अटेंशन अब बहुत ज़्यादा है। अभी लोग चाहते हैं इंडोर्स करवाना, आपको अपने काम में लेना, आपके साथ कोलैबोरेशन करना, प्रोजेक्ट करना। और पहले उस तरह से, जैसे कि मेरे जो गाने निकले थे तो वो उतने ज़्यादा यू नो फ्लॉरिश या इतने ज़्यादा सक्सेसफुल की पॉइंट्स पर नहीं पहुँच पा रहे थे। बट आफ्टर बिकमिंग मिस ट्रांस पाकिस्तान, नाउ आई थिंक ओवर नाइट लाइफ चेंज हो चुकी है। क्या हम सब आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मुझे एक और बात है कि हमने सुना कि आप कुछ सोशल वर्क भी कर रही हैं, आप उस बारे में भी हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि मिस ट्रांस बनने के बाद आपने कुछ सोशल वर्क भी स्टार्ट किया है। मेरी एडवोकेसी है कि मुझे एनिमल रेस्क्यू, उसके लिए एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर। अच्छा। और उसके अलावा ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर मुझे काम करना है। हमारी जो जितनी भी ब्यूटी क्वींस बनती हैं उनको किसी ना किसी को कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाती है रिलेटेबल टू इकोसिस्टम, ह्यूमन वेलफेयर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जो कि हमारे माशरे को बेहतर कर सके। जी मैम, फिर आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है? मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर, कि जानवरों के ऊपर जो जुल्म होता है और उनको ऐवें यू नो मार दिया जाता है, और साथ ही साथ उनको जो उनके ऊपर यू नो जो भी तशद्दुद होता है उसको ठीक करने के लिए, जैसे JFK नाम का एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है, मैं वहाँ पर जाकर चैरिटीज़ कर रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक पपी अडॉप्ट किया है। सो आई एम हैविंग अ चाइल्ड नाउ। और इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर राइट्स की जहाँ तक बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस कम्युनिटी में से, या काफ़ी ऐसे लोग हैं फ्रॉम द ख्वाजासरा कल्चर में से जो पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा। जो पढ़ना नहीं चाहते तो पढ़ना नहीं चाहते, जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे से कैसे चेंज लाएंगे। चेंज की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन चेंज लाने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से आपका कॉन्फिडेंस आता है, एजुकेशन से आप एक अलग इंसान बन जाते हो। तो मैं उस हिसाब से कुछ डोनेशंस कर रही हूँ, कुछ स्कूल वगैरह के लिए यू नो कुछ मेहनत कर रही हूँ, जैसे कि जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज और स्कूल हैं
वो एडमिशन नहीं दे सकते इन लोगों को, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको जाहिर सी बात है एक अच्छी खासी फीस भी पे करनी पड़ती है। तो ट्रांस लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते ना कि आप उनके लिए अलग से स्कूल वगैरह का, स्कूल ऑलरेडी अलग से है लेकिन अगर अलग कर दिया जी जी तो वो तो फिर साबित हो जाएगा कि वाकई में मौशरे का एक अलग तबका है ये जी बिल्कुल। ये हम अलग क्यों करें, वाई ये बात तो बिल्कुल हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए, जैसे आप हैं जैसे मैं हूँ जैसे बाकी हैं, उन समय बैठ कर वो पढ़े जी। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या एक्टर होना या फिर कोई एक्ट्रेस वगैरह या मॉडल वगैरह ही मतलब मिस वर्ल्ड मिस इंडिया मिस पाकिस्तान बनने के लिए अप्लाई कर सकती है, कोई भी लड़की कर सकती है? हाँ भी कर सकती हूँ, हर कोई कर सकता है, अगर आपको अपने ऊपर उबूरियत हासिल है कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो। मैंने जब किया था तो मुझे नहीं था पता कि मैं बन पाऊंगी, मैं बड़े मिढंगे कपड़ों में घर पे बैठी थी और मैंने गूगल किया कि मुझे बनना है और फाइनली व्हेन आई गॉट द वेबसाइट तो मैंने अप्लाई किया, आउट ऑफ नोवेयर आई जस्ट गॉट इन टच विद सोनिया एंड अब 1.5 साल हो गया कि मैं उनके साथ रबते में हूँ। तो आई थिंक कोई भी बन सकता है, बस आपको अपने आप को फ्लॉरिश करना आना चाहिए, आप अपने आप को बेहतर से बेहतर वर्जन बनाओ। अभी आपने बताया कि आपके सॉन्ग्स वगैरह, आपको सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है? मेरा करियर स्टार्ट एज अ सिंगर ही हुआ था, अगर आप मुझे गूगल करें तो मेरा जो लेबल लगता है मेरे नाम के साथ वो सिंगर ही लगता है। सो आई एम बेसिकली अ सिंगर टर्नड ब्यूटी क्वीन। सो मेरे गाने आ चुके हुए हैं, मेरा कमली गाना एक बहुत हिट हुआ था मोहसिन अब्बास हैदर के साथ। जी मैम आप हमें कोई अपना सॉन्ग सुना दें। वेल सबसे मेरा दिल के करीब कमली ही है। अच्छा। और कमली की जहाँ तक बात की जाए, मोहसिन अब्बास हैदर की बात की जाए तो वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, तो मैं उसकी 4 लाइनें आपको सुना देती हूँ। मैं जोग मनावा ओदा रंग चढ़ावा, कोई कासद भेजा या चिट्ठियां पावा, हो कमली दे वेड़े कदों माही आना, ओ दे बाज निहावा रुखी चल दिया सावा, फिर राह विच बैके पलका में विछावा, ओ मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली केंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली केंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली केंदे सारे, मैनू इश्क तेरे दी नियत करा के ठग दे रहंदे सारे, हो मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली केंदे सारे। माशाल्लाह आपकी तो आवाज़ माशाल्लाह से बहुत प्यारी है और जितनी आप खूबसूरत हैं उससे ज़्यादा आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है माशाल्लाह। मैम हम अब शो का अख्तितम करते हैं और इसके साथ आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जो न्यू लड़कियाँ आना चाह रही हैं, जो मिस वर्ल्ड बनना चाह रही हैं या मिस पाकिस्तान बनना चाह रही हैं या मिस ट्रांस बनना चाह रही हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? कोई उनके लिए ये पैगाम है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की यू नो आपको ऐसा नहीं है क्योंकि हाथ पकड़ के आपको कहेगा ये बनो तो बनो, आप खुद को ट्राई करो, आप अपने आप को चैलेंज करो, आप रिसर्च करो। अगर आपको बनना है तो बड़ा आसान तरीका है इंटरनेट पर जाकर वेबसाइट्स पर सर्च करो, आप www.misspakistanworld.com की वेबसाइट विजिट कर सकते हो, सोनिया अहमद को आप इंस्टाग्राम कर सकते हो, आप उनको अपनी तस्वीरें सेंड करो, आप बताओ कि आपकी भी ख्वाहिश है, तो यू नेवर नो कि कभी भी आपका पलड़ा भारी हो जाए और आप सबसे खूबसूरत लड़की किसी मुकर्रर साल की बन जाए। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच मैम, आज आपने हमें टाइम दिया, इतनी आप मसरूफ़ हैं फिर भी आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और मैं अपने ऑडियंस का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और हमारा जो चैनल है DNR, आप लोग उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमारे इस शो के बारे में आपकी फ़ीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच।